तो जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और बर्फबारी और बारिश से जनजीवन पर काफी बुरा इसका प्रभाव पड़ा है। कुलगाम, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। कल से बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात को आगे बढ़ने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि केवल एलएमवी यानी छोटी गाड़ियों को, लाइट मोटर व्हीकल जो है उसे ही नवयुग टनल पार करने की अनुमति दी गई है और बड़ी संख्या में एचएमवी यानी हैवी मोटर व्हीकल अभी भी फंसे हुए हैं। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार राजमार्ग पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है और यात्रियों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी पहले ही दे दी है। दूसरी जानिब श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन भी शुरू हो गया है। घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी ट्रैफिक के लिए बंद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो एलएमवीज है उनको छोड़ा जाए जम्मू से श्रीनगर की ओर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रक्स है उनकी लंबी लंबी कतारें किस तरह से यहाँ पर जमा हो गई है और किस तरह से ये लोग जो है इस इंतजार में है कि रास्ता खुल जाए और ये लोग अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर नेशनल हाईवे खुल जाता है तो एचएमवीज को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि जो स्ट्रैंडेड एचएमवीज है जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बुनियादों पर आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं कि बर्फ किस तरह से जमा है नेशनल हाईवे के दोनों साइड्स में और किस तरह से ये लोग जो है दरमांदा हुए हैं, स्ट्रैंडेड हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से निकल जाए। और दूसरी जानिब इन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की जानिब से जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है और ये लोग काफी मुश्किलात से दुचार हैं। आप नाम बताइए अपना और बताइए कहाँ से आप हैं और क्या क्या असुविधाएं हो रही है। मेरा नाम सर राजू है, मैं कठुआ से हूँ। तो हम कठुआ से आटा लेकर आए थे तो कल अनलोड किया था, तो कल बर्फ शुरू हो गया था, कल से रास्ता भी बंद है, तो कल से हम इधर ही फंसे हुए हैं अभी तक जी। तो कोई मदद आपको मिली प्रशासन? कोई मदद नहीं मिली जी, बहुत मुश्किल है इधर, ना तो पानी मिल रहा पीने को, दूसरी बात इधर बाथरूम जाने को भी बहुत परेशानी है जी। तो आप बताइए कहाँ से आप और क्या आप भी ड्राइवर हैं? जी हाँ। मेरा नाम अखन दीन है, मैं तहसील बसोली से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, और यहाँ आया था मैं बम्बई से डायपर लेके, वो खाली कर दिए परसों, खाली करके कल लोड करके यहाँ खड़े हैं कल से जाम में। ये बर्फ पड़ रही है और रास्ता बंद है, ना कोई खाने का है, ना कोई पीने का है, ना तो बाथरूम जाने का है, जैसे तैसे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो कोई आया ना गया, कोई किसी ने कुछ नहीं पूछा, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े हैं। तो इधर क्या क्या असुविधाएं हो रही है? आप बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है इधर, बाथरूम जाने गाड़ी के नीचे भी नहीं उतर सकते, अगर उतरेंगे गाड़ी इधर उधर टेढ़ी लगाएंगे तो लोग मारने पड़ते हैं कार वाले, कोई आ गया गलती से भी, यहाँ गाड़ी नहीं साइड हो रही है, गाड़ी स्लिप मार रही है तो उल्टा लोग मारने पड़ते हैं, सुविधा मतलब हेल्प करने वाला कोई नहीं है जी। तो हम आपको बता दें कि जो ये असुविधाएं इनको हो रही है और इसके अलावा प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एवलांच वार्निंग भी यहां पर जारी कर दी है और जिसकी वजह से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है अथॉरिटीज की तरफ से कि जो ट्रैवलर्स है वो फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें और अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में इनको निकलना पड़ता है तो सबसे पहले जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स है उनके साथ राबिता कायम करें, तभी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर शुरू करें। लेकिन अभी तक जो ताजा तफसील हमारे पास है तो उसके हिसाब से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है अभी भी फुली रेस्टोर नहीं हुआ है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि जो एलएमवीज है उनको छोड़ा जाए जम्मू से श्रीनगर की ओर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर, और जो एचएमवीज है फिलहाल इनको रोक के रखा गया है। न्यूज 18 के लिए नेशनल हाईवे काजीगुंड से मुदस्सिर कादरी।